कैंट पुलिस ने रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को ओमेगा ग्रीन टावर बीबीडी लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान भोलानाथ सिंह पुत्र स्वर्गीय देवनाथ सिंह निवासी हरसण धूरीडीह थाना सिकंदरपुर जनपद बलिया, हाल पता सिंघनिया थाना कैंट जनपद गोरखपुर और वर्तमान पता ओमेगा ग्रीन टावर नंबर 4 फ्लैट नंबर 905 थाना बीबीडी जनपद लखनऊ के रूप में हुई है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि 28 नवंबर 2021 को आवेदिका सरोज सिंह पत्नी हरि गोविंद सिंह निवासी मोहल्ला मालवीय नगर मकान नंबर C34 पोस्ट कूड़ाघाट थाना कैंट जनपद गोरखपुर ने थाना स्थानीय पर भोलानाथ सिंह व सौरभ सिंह पुत्र भोलानाथ सिंह निवासीगढ़ हरसर धोरीडीह थाना सिकंदरपुर जनपद बलिया हाल पता सिंघलिया थाना कैंट जनपद गोरखपुर द्वारा आवेदिका के लड़के सौरभ सिंह को रेलवे विभाग में नौकरी दिलाने के नाम पर कुल 8,65,000 रुपए लेने व कूटरचित नियुक्ति पत्र परिचय पत्र एवं स्थानांतरण पत्र देकर धोखाधड़ी जालसाजी के संबंध में ऑपरेशन ईगल के अभियान के क्रम में पंजीकृत हुआ था, जिसको देखते हुए 27 मार्च को थाना कैंट पुलिस द्वारा अभियुक्त भोलानाथ सिंह उम्र करीब 64 वर्ष को उसके किराए के फ्लैट ओमेगा ग्रीन टावर नंबर 4 फ्लैट नंबर 905 के बाहर थाना बीबीडी जनपद लखनऊ से गिरफ्तार किया गया, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। गिरफ्तारी करने वाले पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक मोहम्मद खुर्शीद खां, रवि राय, हेड कांस्टेबल मोहम्मद मोहसिन खां शामिल रहे।